मधेपुरा से है, जहां लूट समेत अन्य अपराध की साजिश रचने वाले अंतर जिला गिरोह के सात अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बात पर सदर थाना में प्रेस वार्ता कर सदर SDPO अजय नारायण यादव ने मामले की जानकारी दी। SDPO ने बताया कि शहर के PS कॉलेज के समीप बैंक के ग्राहकों को लूटने की फिराक में रहे अंतर जिला गिरोह के तीन अपराधियों को कमांडो दस्ता ने कट्टा और गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि SP के निर्देश से कमांडो हेड विपिन कुमार के नेतृत्व में कमांडो टीम दोपहर में बैंकों के आगे वाहन चेकिंग कर रही थी। इस क्रम में कमांडो की टीम ने जैसे ही संदिग्धों पर नजर पड़ी, वे लोग भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन कमांडो और पुलिस की टीम ने संदिग्ध को तीन ओर से घेर लिया। इस क्रम में जब एक अपराधी भागने का प्रयास करने लगा तो कमांडो सिपल कुमार ने उसे खदेड़कर पकड़ा। पूछताछ में पल्सर बाइक सवार अपराधियों की पहचान सदर थाने के पतराह निवासी दिलखुश कुमार, सुपौल जिले के करजाइन थाना क्षेत्र के जितेंद्र कुमार ठाकुर और सहरसा जिले के बसमई OP क्षेत्र के मंगवार वार्ड नंबर 1 निवासी संजीव कुमार के रूप में की गयी। तलाशी के क्रम में उनके पास से एक देशी कट्टा एवं 3 गोली तथा 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। SDPO अजय नारायण यादव ने बताया कि इस संदर्भ में मधेपुरा थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी में कमांडो अभिमन्यु, कमांडो संतोष, कमांडो विजय और कमांडो सुमो मौजूद रहे। वहीं बुधवार की सुबह लगभग 10 बजे सिंहेश्वर थाने की पुलिस को सूचना मिली कि बुढ़ावे स्थित सड़क निर्माण कंपनी के प्लांट बजरंगबली मंदिर के पास कुछ अपराधी हथियार के साथ जमा हुए हैं और लूटपाट की साजिश रच रहे। सिंहेश्वर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने तत्काल इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी। वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार टीम गठित कर छापेमारी की गई, तो वहां से गम्हरिया थाना क्षेत्र की रुपोली निवासी रवि कुमार, विपिन कुमार चौहान और सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के बढ़ेरवा निवासी वरुण कुमार उर्फ मंजीत चौहान और यही संजय चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वे लोग लूटपाट की योजना बना रहे थे। इस क्रम में जब तलाशी ली गई तो उनके पास से एक कट्टा, 5 गोली, 2 बाइक व मोबाइल और एक चाकू जब्त किया गया। SDPO श्री यादव ने बताया कि अपराधी वरुण चौहान के खिलाफ सिंहेश्वर थाना में पूर्व से 2, रवि के खिलाफ 1 और विपिन चौहान के खिलाफ सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना में 1 मामला दर्ज है। जिला ब्यूरो मोहम्मद माजिद की मधेपुरा से खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।